देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आप सभी कक्षा नाइन्थ के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कक्षा नाइन्थ का अध्याय 12 है, ध्वनि। इसके बाकी चैप्टर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, इसलिए आप उनको भी देखकर अपने कोर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आज हम ध्वनि के बारे में देखेंगे और ध्वनि कक्षा नाइन्थ के अतिरिक्त क्लास टेंथ, एलेवेंथ और ट्वेल्थ या फिर उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ ध्वनि के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वो छात्र भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनकी भी इस टॉपिक की पूरी तैयारी हो सके। इसमें हमने सारे वो प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि के बारे में हम सब लोग जानते हैं, डेफिनेशन भले ही ना पता हो तो ये चीजें आज क्लियर हो जाएंगी कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदना पैदा करता है। श्रवण का मतलब होता है सुनने का। तो आप कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में सुनने के लिए संवेदना पैदा करती है। ध्वनि निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है या फिर निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कैसे कैसे होती है, यदि हम किसी वस्तु पर चोट मारते हैं तो आप देखते होंगे उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला है प्रहार द्वारा। उदाहरण के लिए यदि हम धातु के प्लेट पर प्रहार करते हैं तो प्लेट में कंपन होता है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। या फिर आप मान सकते हैं कि जो आपके विद्यालय में घंटे लगे होते हैं जो क्लास वाइज लगाए जाते हैं प्यून के द्वारा, उसमें जब चोट मारी जाती है तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो हम लोग सुन पाते हैं। तो पहला हो गया प्रहार के द्वारा। नंबर दूसरा होता है तनाव द्वारा। तनाव के लिए आपने गिटार वगैरह देखे होंगे, यदि हम वाद्य यंत्रों के तारों में तनाव उत्पन्न करके छोड़ते हैं तो उसमें भी कंपन तथा ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। या फिर इसका भी प्रैक्टिकल आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप ये धागे के एक छोर को किसी एक फिक्स एंगल पे बांधिए और दूसरे छोर को दूसरे एंगल पे, और उस धागे को इतना खींचना है कि वह टूटने की लास्ट स्टेज में हो, और फिर यदि आप उस पर थोड़ा सा कंपन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं तनाव द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला वायु प्रवाह द्वारा। वायु प्रवाह कैसे, बांसुरी में कोई सीटी नहीं होती लेकिन फिर भी उसमें वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कभी हवाएं तेज चलती हैं तो आप देखते होंगे उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक ये कारण भी है। अगला है घर्षण द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपका ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये दोनों रूप आपने देखे। अगला देखिए, अगला है एक चित्र की सहायता से वर्णन करो कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीडन। संपीडन का मतलब होता है किसी भी तेज का तेजी से सुनाई देना, और विरलन का मतलब कम सुनाई देना। जैसे आप कभी किसी से बात करते हैं तो कभी कभी उसकी आवाज आपको कम और अधिक तेज सुनाई देती है, वही चीज इसमें भी होता है। ये कैसे देख सकते हैं, ये एक चिमटे के आकार का स्वरित्र दिखाई दे रहा है। इसकी जगह पे आप चिमटे को भी ले सकते हैं। चिमटे के सबसे नीचे वाले तल, मतलब इसको आप पकड़कर और चिमटे को चोट मारिए तो आप देखेंगे उसमें से भी ये चिमटे के दोनों छड़ हिलने चालू हो जाएंगे और उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसको देख लेते उत्तर में। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने वायु को धक्का देकर संपीडित करती है। मतलब ये जो स्वरित्र का या चिमटे का अगला हिस्सा है ये वायु को धक्का देकर एक संपीडन उत्पन्न करती है, और इस प्रकार उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीडन कहते हैं। ये संपीडन कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है जिसे क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। तो संपीडन क्या होता है, जो घना क्षेत्र होता है वो संपीडन होता है, जो विरला क्षेत्र होता है वो उसे विरलन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यात्मक
द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब होता है यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे आपका आप स्पेस पे चले जाइए तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर वायु भी नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर व्यक्ति एक दूसरे की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। तो जहां पर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होगा वहां पर किसी भी प्रकार का ध्वनि का संचरण भी नहीं होता है। इसका उत्तर है एक बिजली से चलने वाली घंटी, और इसको एक कांच के वायुरुद्ध बेल जार में लटकाइए। बेल जार को एक निर्वात पंप से जोड़ दीजिए। घंटी का स्विच दबाने पर आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जैसे जैसे बेल जार से वायु बाहर निकलती है घंटी की आवाज धीमी होती जाती है। कुछ समय पश्चात जब बेल जार में बहुत कम वायु रह जाती है तो ध्वनि की आवाज कैसी होती है, धीमी सुनाई पड़ती है। जब बेल जार की सारी वायु निकल जाती है तो हमें घंटी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को कांच के बॉक्स में बंद कर दीजिए और उसमें दरवाजा बनाइए। जब तक दरवाजा खुला है तब तक वहां से निकलने वाली ध्वनि को आप सुन सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी कांच के बॉक्स में आप साउंड बॉक्स कर रख दीजिए और इसके बाद में आप देखेंगे उसमें ध्वनि आ रही है, लेकिन जैसे जैसे उस बॉक्स का ढक्कन बंद करेंगे उस ध्वनि को आप धीमा सुनेंगे। और एक समय ऐसा होगा जब बॉक्स के ढक्कन को बंद कर देने पर वहां से ध्वनि बिल्कुल सुनाई नहीं दे सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका माध्यम कहीं ना कहीं समाप्त हो गया और इसलिए हमें सुनाई नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है? अनुदैर्ध्य क्यों होती है? ध्वनि तरंगे विक्षोभ पैदा करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं जो माध्यम से होकर गति करते हैं। माध्यम की कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते। आप देखते होंगे कि आपका स्वरित्र या आपकी कोई भी जिस वस्तु से ध्वनि निकल रही वो कभी भी गति नहीं करती, जबकि वह अपने माध्यम में आने वाले कणों को प्रेशर देती है, धक्का देती है, और वह कण ही उस ध्वनि को आगे तक लेकर जाते हैं। तो उसमें आगे है, माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते बल्कि अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न इसी में, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज को पहचानने में आपकी सहायता करता है? कौन सा अभिलक्षण का मतलब यह है कि आप देखें कि यदि 10 से 12 व्यक्ति किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं और उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे आप जानते हैं तो आप उसकी आवाज को कैसे पहचान लेते हैं? तो उसका मतलब है आयाम ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें आवाज को पहचानने में मदद करता है। अगला है, तड़ित की चमक तथा गर्जना के साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आपने कभी भी बादल को गरजते हुए देखा होगा तो आप देखते हैं कि पहले गरजने के पहले चमक उत्पन्न होती है और इसके बाद बादल की गर्जना सुनाई देती है। इसका मतलब वो कि वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इस कारण समान दूरी से आने वाले तरड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है परंतु उसकी गर्जन के बाद हमें नहीं उसकी चमक के बाद हमें गर्जन सुनाई देती है। इसमें आप समझ सकते हैं या फिर नॉर्मल से एक आंसर है इसका कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है, इसके बीच के जो प्रश्न है उसमें न्यूमेरिकल है जिसे सवाल बोलते हैं, उसको हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, क्या ध्वनि परावर्तन के उन नियमों का पालन करती है जिनका की प्रकाश की तरंगी करती है? तो उत्तर होगा हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है जिसका प्रकाश तरंगी करती है। ये नियम कौन कौन से हैं? अभिलंब,
आपतन तथा परावर्तन की दिशाएं एक ही तल में होती हैं, ताल नहीं यहाँ पर, तल में होती हैं। अगला नियम है इसी का, अविलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन की दिशा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो सारे नियम ध्वनि में काम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर, ध्वनि का एक स्रोत जिसकी किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके प्रति प्रदंत ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक की सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगी? जिस दिन तापमान अधिक होगा उस दिन सुनाई देगी अधिक, या जिस दिन तापमान कम होगा उस दिन? माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, इसलिए गर्म दिन में अधिक तापमान होने के कारण ध्वनि का वेग अधिक होता है और हमें दूर तक ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग क्या हैं? ध्वनि के बहुल परिवर्तन के कारण ही इसको लाउडस्पीकर में, हॉर्न में, तूर में, शहनाई में और वाद्य यंत्रों में ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना एक विशेष दिशा में जाती है। अगला है, एक चिकित्सा यंत्र होता है जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने के काम में आता है। अगला है, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉलों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, जिसमें कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। आप कभी भी ऑडिटोरियम या फिर ऐसी कोई जगह देखते होंगे, वो गोलाई को लेकर बनाई जाती है। इसका मतलब ये होता है ताकि ध्वनि सभी जगह समान रूप से पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ध्वनि का अगला पार्ट आप देखेंगे, उसमें इसके बाकी प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया, प्रश्न समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।